नमस्कार दोस्तों, यूके के कुछ वीजा जो न्यू ईयर के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कर लेने चाहिए। ये कुछ अभी जो वीजा आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लड़ियां हैं जो बनाई थी दो। सबसे पहले ये है, तो इसमें सिंगल भी हैं और फैमिली वाले भी हैं, आपको बच्चे भी दिख रहे होंगे। सेकंड जो है वो ये है, ये अभी लेटेस्ट जो निकले हैं वो है, इनकी वीडियोज आपको वैसे भी मिल रही होंगी, तो ये इकट्ठा करके मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है। और भी हैं, दो तीन साइड में पड़े हुए हैं, जैसे चलो दिखा ही देता हूँ दोस्तों आपको। ये शैनिगन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन्ड है तो जरूर ट्राई कर लेना, और अगर स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है तो दोस्तों जरूर बना लेना, क्योंकि मौके होते हैं। अब जिन्होंने मेंटेन की थी उनके न्यू ईयर के लिए फाइल्स लग रही हैं, वीजे निकल रहे हैं। जिन्होंने मेंटेन नहीं की थी भाई, एक बार टीम से कॉन्टेक्ट कर लेना, मेंटेन करवा लेना कैसे किस हिसाब से चलाना है, क्योंकि जब मौके आते हैं तब आपके पास रेडी होनी चाहिए स्टेटमेंट। बैलेंस मैं बताता हूँ, हमेशा सिंगल के लिए 5 लाख तक हो, 4-5 लाख, कपल के लिए 7-8 तक हो सकता है, और फैमिली के लिए 9-10 या 10+ होना चाहिए। कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज और कहूंगा दोस्तों, इसका मतलब 100% वीजा नहीं होता। अगर आप स्टेटमेंट मेंटेन कर लो तो ये मत सोचना 100% वीजा आएगा। आपने सिर्फ ये सोचना है कि आप उन लोगों से बेहतर हो चुके हैं जिनकी स्टेटमेंट मेंटेन नहीं होती। वीजा ऑफिसर जिसकी स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है उसको पहले ही देख करके रिफ्यूज कर देता है। जिसकी मेंटेन है उसके बारे में सोचता है कि इसको दूं या ना दूं, तो इसलिए मेंटेन करना जरूरी हो जाता है।